17 में बना था, 24 हो गया, तो कब आएगी वो रिपोर्ट? अब हम आपको अब उसकी जानकारी तो ये निकल कर आती है, 993 जातियां ऐसी हैं ना एक दाखिला मिला और ना एक नौकरी मिली, 923 जातियां ऐसी हैं जहां 2.86% नौकरी और दाखिले मिले, 2-4% सारी मलाई काट कर ले जा रहे हैं। वही तो आप लड़ाई लड़ रहे हो, तो ये बात बताते क्यों नहीं देश को? रोहिणी आयोग का गठन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन इसी नाते तो किया। अगर ठंडे बस्ते में फाइल रखी जाएगी उसके मायने क्या? ठंडे बस्ते में नहीं, आप अगर पीछे जाएं तो काका कालिलकर आयोग, मंडल आयोग, मंडल कमीशन, कितना समय लगा था उसको। अच्छा। हम लोग उसमें हैं, कांसी राज। अच्छा, जब वो जैसे मंडल आयोग वीपी सिंह को लगा मेरी राजनीतिक अपनी जमीन बचाने के लिए अब मंडल आयोग लागू कर देता हूं, तो ठंडे बस्ते से लेकर आए, जब राजनीतिक परिस्थिति बनेगी तब जी रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। आप देखिए, वीपी सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन देश और प्रदेश की राजनीति पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है, घूम रही है, पिछड़ों के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछड़े आजकल बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बीजेपी पूछ नहीं रही है। ये कांग्रेस से भी थक चुके थे, सपा बसपा यूपी में इन लोगों को झेला के थका दिए, तो और अब बीजेपी थका रही है, पूछ ही नहीं रही। 9 सीटें, आप देखिए 9 में से 8 वो लड़ रहे हैं ना, आप और एक RLD। आप देखिए ना, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि वो उन कौमों से उठा करके लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, आज बीजेपी के साथ हम आए तब आज हम इस मंच तक पहुंचे। आज संजय निषाद जी बीजेपी के साथ आए तो आपके मंच तक पहुंचे। अनुप्रिया पटेल जी बीजेपी के साथ आई तो आपके मंच तक, हम लोग चलते रहे। कौन से मंच पर पहुंचे? वो संजय निषाद, आजकल पोस्टल वॉर चल रहा है ना, हम आपके, वो आपके मंच की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, 27 के खेवनहार भी बन रहे हैं, 27 का नारा निषाद है सहारा। निषाद तो बेसहारा कर दिया, ना मझवा मिली, ना कठोरी, ना कठेरी मिली, ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। देखिए, हक मांगना, मालिक से कहना कि हमारा हक। अच्छा, मालिक है बीजेपी? हाँ, मालिक है बीजेपी। भाई हमारा मुखिया तो बीजेपी है ना। मालिक और मुखिया में फर्क होता है? नहीं, जिसे एनडीए गठबंधन का राजनीतिक मालिक है, एनडीए गठबंधन का मुखिया नहीं, राजनीतिक मालिक भी आपने मान लिया बीजेपी? नहीं, बीजेपी एनडीए गठबंधन का मुखिया है, हम लोग उसके घटक दल हैं। हम लोग मुखिया नहीं है, मुखिया बीजेपी है, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। मालिक नौकर की रिलेशनशिप है? अब समाजवादी पार्टी तो अगर हम बात करेंगे तो वहां तो लीडर बनाए जाते हैं। अभी तो हम लीडर की संज्ञा बता रहे हैं, आज ओम प्रकाश राजभर लीडर के रूप में आपको दिख रहा है, संजय निषाद जी लीडर दिख रहे हैं, सुनप्रिया पटेल जी लीडर दिख रही हैं। लीडर की बात सुनी जाती है ना? बिल्कुल सुनी जाती है। मालिक भी नौकर की सुन लेता है तो आपकी बात सुनी जा रही है? बिल्कुल सुनी जाती है, सुनी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में ही नहीं, हमारी बात तो बिहार भी सुनी जा रही है, हमारी बात तो महाराष्ट्र सुनी जा रही है, यूपी की बात। हमारा कार्यकर्ता अगर चला जाता है कोई समस्या, राजनीति आउटसोर्स भी कर रहे हैं, वो वहां भी थोड़ा अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितनी सुनेंगे कितनी नहीं सुनेंगे बीजेपी वाले। दुनिया क्या कह रही है, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है, हमारी पूरी बात, चाहे मुख्यमंत्री से हो, चाहे दिल्ली सुनाना हो और चाहे अधिकारियों को सुनाना हो, सब लोग जो आपकी मूल लड़ाई है जातिगत जनगणना, उसमें कहीं ना कहीं आती है। आपने जो बात की कि भाई प्रधानमंत्री बीमा है जैसे योजना, बहुत गरीबों का बहुत कल्याण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन जातिगत जनगणना का दरअसल मकसद क्या है, या सबसे बड़ी वजह कि चिन्हित हो जाए कौन कौन से वर्ग इनको लाभ देने की जरूरत है। जब तक ये नहीं पता लगेगा आप किसको लाभ बांट रहे हैं, इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है ना 22 साल से, हम इसी बात को कह रहे हैं कि टाइमलाइन दी है आपको? टाइमलाइन, ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कही, ये बात मैंने गृह मंत्री जी से भी कही, ये बात प्रधानमंत्री जी से भी कही, जो हम लोगों के पास जो टॉप लीडर हैं उनके सामने ये बात रखी कि इसकी आवश्यकता सुनी जा रही है। क्या 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती भी, 19,000 उसमें आरोप ये लगा पिछड़ी जाति के जो लोग होने चाहिए थे उनका हक मार लिया गया, उनको नौकरी नहीं मिली, और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर जो इस भर्ती पर वो रोक भी लगाई गई, वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। आपने कहा कि मैंने तो 4-4 बार, और बताइएगा अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, 4-4 बार आप योगी आदित्यनाथ से मिले कि नहीं जी ये गलत हो रहा है, तो आपको कह दिया गया वो जी 16 दुनिया 8 का गलत पहाड़ा पढ़ा दिया अधिकारियों ने, वही पहाड़ा अभी भी पढ़ाया जा रहा है। इसमें देखिए आपको बता दें,
इसमें राज्य ऐसा बताया गया ना? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं चार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा कि हमने भी जांच कराई, अधिकारियों से गलती हुई है उसमें, अभी भी भूल सुधार नहीं हो रही, अभी भी मामला कानूनी दांव पेच में अटका हुआ है। अब सुनिए सर, उन्होंने भर्ती करने के लिए 6,800 का कहा कि हम भर्ती करेंगे, तब तक दो लोग फिर चले जा रहे हैं, हाई कोर्ट मुकदमा कर दे रहे हैं। ये 4.5 साल से मतलब कितने लोगों का भविष्य घर में अटका हुआ है। इसका निराकरण अगर चाहते अखिलेश जी, मायावती जी चाहती, राहुल जी चाहते, तो ये तीनों नेता क्यों नहीं, आप अतीत पर सारी जिम्मेदारी सारी भूल का ठीकरा कब तक फोड़ेंगे? अरे वर्तमान में भी आइए ना राजभर साहब, मेरा अगर समाज का ही तो लोग चाहते हैं तो वो मुख्यमंत्री से अपने काम के लिए मिल रहे हैं। किसके टाइम पे हुई 69,000? ये भर्ती किसके टाइम पे हुई? ये भर्ती जो हुई, हाँ, ये भर्ती समाजवादी पार्टी के 68,460 समाजवादी पार्टी का है। वो अलग है, ये जो ये कब हुई? नहीं, इसमें तो जो 2017 के बाद हुई, पूरी प्रक्रिया ही शुरू हुई और मुकम्मल हुई 2019-20 में। तो आप पीछे जाते जाएंगे? नहीं, हम पीछे नहीं जा रहे, गड़े मुर्दे ही उखाड़ेंगे। हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं, हम जो वर्तमान है उसमें बता रहा हूँ कि विपक्ष के लोग खुद नहीं चाहते कि ये हिस्सा पिछड़ों को मिले। अगर ये चाहते, विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष पर जिम्मेदारी होती है? नहीं, अगर देखिए, अगर सत्ता पक्ष अगर कहीं गड़बड़ी गलती हो रही है तो उसके लिए हिदायत देना विपक्ष का काम होता है कि ये गड़बड़ी हो रही है, इसको सुधारिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।